हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आऊँ, कॉन्फिडेंस ग्रुप का स्टॉक है। कॉन्फिडेंस ग्रुप का ये स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम नाम है इस कंपनी का। और अगर आप देखोगे इसके मेनली जो ये कंपनी है, इंडिया की लीडिंग एलपीजी बॉटलर एंड लार्जेस्ट एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। एलपीजी मार्केटिंग, ऑटो एलपीजी, सीएनजी, हाई प्रेशर सिलेंडर, डायनेमिक वर्कफोर्सेस, इस तरीके के काम इसके मेनली है। इस ग्रुप का जो है एलपीजी सेक्टर का मेनली काम है, इंडिया को एक पॉल्यूशन फ्री कंट्री बनाने का काम है इस कंपनी का। तो देखते हैं इस कंपनी में क्या कुछ खास है, क्या नई न्यूज है, क्या इसके शेयर्स जिस तरीके से बल्क डील में अभी बाय किए गए हैं, किस तरीके से, क्या इसके सपोर्ट जोन है, उस सब के बारे में बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड 39 रुपये का शेयर है, मात्र 39 रुपये का शेयर है। बीएससी पे आपको देखेगा 52 वीक लो देखोगे तो 19 रुपये का, और 52 वीक हाई जो है वो 57 रुपये का। तो 19 से 57 यानी कि 3 गुना हुआ था ये पिछले एक साल के अंडर, फिर थोड़ा जैसे नीचे आ गया, अभी 39 पे ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ देखिए क्या है, एसएन एलपीजी बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, एसएन एलपीजी बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसने कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के शेयर बाय किए मार्केट से। और कितने शेयर्स बाय किए वो देखिए, वो शेयर्स देखिए आप, 146,565 शेयर्स बाई किए हैं। और जो अमाउंट टोटल देखा जाएगा तो वो अमाउंट बन रहा है 62,99,797, इतना अमाउंट जो बन रहा है। देखिए आप कितना अमाउंट बन रहा है, 62 लाख। तो इतने अमाउंट के इसने शेयर्स बाई किए हैं, ज़बरदस्त। आप देखोगे 146,000 शेयर्स बाई किए हैं एसएन एलपीजी बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। बढ़िया न्यूज़ है, सितंबर 18 और 19 को बाई किए थे ये शेयर्स। अब देखिए एक नज़र आप देख लेते हैं, चलिए पता तो लग गया बाय किए हैं। तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अर्निंग पर शेयर कितना है, 1.28 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो कितना है, 30 का है। बुक वैल्यू कितनी है, 10 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 3.73 का है। फेस वैल्यू 1 की है। बढ़िया जी, आगे देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा अब तक। तो अगर आप रिजल्ट वाइज देखा जाए तो रिजल्ट देखिए 125 करोड़, 141 करोड़, 170 करोड़ और 164 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखिए 6 करोड़, ये सेल्स के फिगर से ऊपर। नेट प्रॉफिट देखिए, सेल्स अगर आप देखोगे तो बढ़े जा रही हैं, और 13 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट दिया, उससे पहले 7 करोड़ का, 7 करोड़ 82 लाख का, 7 करोड़ 0। तो प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़े जा रहा है। टोटल डेट 52 करोड़ का, टोटल एसेट 286 करोड़ के हैं, बहुत बढ़िया। और अगर ग्राफ पे एक नज़र डाला जाए तो पिछले 2 साल का ग्राफ देखिए, 7 रुपये से शेयर बढ़ के 53-54 तक गया है। और अगर ग्राफ पर आप ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड आपको दिखेगा, बढ़िया न्यूज है। एक नज़र टेक्निकल ग्राफ पर डालते हैं तो टेक्निकल ग्राफ देखिए किस तरीके से जंप देखना है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से यानी कि जुलाई अगस्त के टाइम से इसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और डाउन ट्रेंड किस तरह दिख रहा है, वो भी ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन देखते हैं इस डाउन ट्रेंड का जी तोड़ कहाँ पे है, यानी कि सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा। सपोर्ट तो अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है यही इसका सपोर्ट है। अगर यहाँ से वापस आ जाता है ये, तो अभी जैसे कॉन्फिडेंस ये एसएन प्रोपेक्ट ने इसने शेयर्स खरीदे हैं, तो इस तरीके यहाँ से वापस आ जाता तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जो अगला जो स्टॉप लॉस जो सपोर्ट दिख रहा है वो 32-33 रुपये के अराउंड दिख रहा है, और अगला उसके अगला सपोर्ट जो दिख रहा है वो मुझे 27 रुपये के अराउंड दिख रहा है। तो गिरावट का दौर जारी है, तो इस लेवल पे भी, इन लेवल्स पे भी आ सकता है ये शेयर। आप देखिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिए और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। आप देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छी तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, बाइंग जरूर करिए एसएन एलपीजी बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। और एक नज़र डाल देते हैं इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, एक नज़र डालते हैं किस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्टॉक का रहा है। और देखिए प्रोमोटर्स का 53.82% के शेयर होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन का 45.03% की शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, FII ने 0.14% की होल्डिंग बना रखी है। प्रोमोटर्स जिसकी हाईएस्ट होल्डिंग है वो है गैस पॉइंट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड 25.58%, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है सम्राथ रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 2.26% की होल्डिंग, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर का 36% का होल्डिंग बनी हुई है। तो ये टोटल कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको स्टॉक के इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, और इसमें जो बल्क डील हुई है वो भी शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।